हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इलिश मछली की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, और अगर आपने बरसात के सीज़न में इलिश मछली नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मछली को हमने अच्छी तरीके से धो दिया है, और ये 6 पीस है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़े साइज प्याज को देखिए छोटा छोटा पीस में काट लिया है। साथ ही लिया है 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च। तो आप मिर्चा अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने मसालों को पीस लिया है और हमने एकदम स्मूथ पीसा है। और साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया है 4 बड़ा चम्मच सरसों दाना, और ये पीला सरसों है। साथ ही हमने यहाँ पे पोपी सीड्स ले लिया है, जिसे हम पोस्तू कहते हैं। तो इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल के इसे भी पीस लेते हैं। और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना है। हम आज एकदम नए तरीके से बना रहे हैं इलिश भाफा, तो इसमें यही मसाले लगते हैं। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। हमने पोस्तू और दोनों सरसों को अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो चलिए इलिश भाभा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है। तब हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। ये रेसिपी पूरी सरसों के तेल से ही बनेगी। ऑयल गर्म हो गई है, तो हम इसमें डालते रहे 1 चम्मच 5 फोरन। साथ ही डालते रहे 1 सूखा मिर्च और 1 तेज़पत्ता, और इसे हम थोड़ा देर भून लेते हैं। 5 फोरन देखिए भून चुकी है। तब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च को, जिसे हमने पीस लिया है। और सारे मसालों को हम भून लेते हैं जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर चला ना जाए। तब हम इसमें डाल देते हैं मछली के ऊपर सरसों और पोपी सीड, जिसे हमने पेस्ट बना लिया है। तब हम इसमें डालते रहे टेस्ट के इतना नमक। तो हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालते रहे, और साथ ही डालते रहे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसे मछली के ऊपर मिक्स कर देते हैं, मछली को कोटिंग कर देते हैं। इस तरह से एक बार आप बनाकर जरूर खाएं, देखिएगा बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अच्छी तरीके से हम सरसों को मछली पे कोटिंग कर देते हैं। हमने सारी मछली को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। तब हम इसे कढ़ाई पर डाल देते हैं सारी मछलियों को, और सारा मसाला भी डाल देते हैं। और थाली में हम थोड़ा सा पानी डाल के डाल देते हैं पानी। तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी हम नहीं बनाएंगे, तो कम ही डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें ग्रेवी के लिए 1/2 गिलास पानी डाला है। और अब हम इसे ढक देंगे, और ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हम मछली को पलट देंगे, और पलटने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने मछलियों को 5 मिनट तक पका लिया है। तब हम सारी मछलियों को पलट दे रहे हैं, और ये मछली बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो पलटने के समय धीरे धीरे पलटे, नहीं तो मछली टूट भी सकती है। और पलट के हम इसे और 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, और ये बन के तैयार हो जाएगी। इस मछली को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने पलट दिया है। तब हम इसमें डाल देते हैं कुछ हरी मिर्ची, और अब हम इसे फिर से ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। और इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। दोनों साइड से देखिए हमने 5 मिनट तक पका लिया है, और मछली एकदम बन के तैयार है। तब हम इसमें डाल देते हैं लास्ट में कच्चा सरसों का तेल। इस रेसिपी में लास्ट में कच्चा का सरसों का तेल डाला जाता है। इसे डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर दे रहे हैं, ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो मछली टूट जाएगी। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसे 5 मिनट तक ढक देते हैं। 5 मिनट हो गई है फ्रेंड, और ये देखिए मछली की जो ग्रेवी है कितनी ही मस्त बनी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। और मछली भी देखिए बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुई है।
तो सारे मछलियों को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल ले रहे हैं। और मछली के पीसेस देखिए बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस तरह घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इसकी ग्रेवी भी देखिए बहुत गाढ़ी गाढ़ी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाइएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर घर पर गेस्ट आने वाले हों तब भी आप इसे बना कर खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।